तं दृष्ट्वा सहि धर्मात्मा न ससाकमनोगतं तं शूकं राघवः सोढुं ततो विवृततां गतः। व्याकरण विभागं सर्वेषां स्वागतं। वर्तमान संधि विच्छेदं मनोगतं मनः युक्तगतं मनोगतं पुनर्जी समास धर्मात्मा धर्मे आत्मा जस्य सह बोब्रीहे अने धर्मरे आत्मा जहार से है बोब्री समास जस्य सह रहिले बोब्री समास होता है। मनोगतम मनः युक्तगतम कर्मणि द्वितीया तत्पुरुष कहीं ना मनोगतम यार शेषे द्वितीया विभक्ति तम उच्चारण हो तत्शब्दर मध्य द्वितीया विभक्तिर उच्चारण होने के कर्म आकार स्थानित होती द्वितीया तत्पुरुष अटे। पुणे अच्छी सकारण विभक्ति तम शुकम एवं बृतताम ये कर्मणि द्वितीया अटे। अकारांत शब्दर द्वितीया विभक्ति उच्चारण होता है। पुणे सह धर्मात्मा एवं राघव ये नामवाचक एवं कर्ता आकार एठारे उपस्थापित करणुक यह कर्तरी प्रथमा अटे। पुणे अच्छी प्रकृति प्रत्यय दृष्ट्वा दृश धातु क्वाच प्रत्यय यह दृष्ट्वा पुणे अच्छे शोकम सुच यार मूल शब्द है मूल धातु है सुच कालिद सुच अरहलन सुच रुघ्वंश प्रत्यय शोकम गत यह गम धातुरोक्त प्रत्यय गत गत एवं शोकम यार पार्थक्य रही गतर शेष तर तर उच्चारण थी त प्रत्यय युक्त एवं सोच धातु मान शोकम अच्छी तेणुक यह शेष व्यंजन वर्ण एवं फलन मर उच्चारण अच्छी जहाँकि घन प्रत्यय अंतर्भुक्त अटे। केवल धातु शेष यदि तर उच्चारण होता है तो प्रत्यय युक्त करने अन्न्य जहाँ रहा सब घन प्रत्यय अंतर्भुक्त अटे। धन्यवाद।